हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। हेलो दोस्तों, और मेरा नाम है सलमान। और हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर इंडियन गेस्ट इन पाकिस्तान, इज इंडियन सेफ और नॉट, ये पाकिस्तानी क्या रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर। ये वीडियो देखने वाले हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं कि क्या पब्लिक सोचती है हमारे इंडिया के बारे में या इंडियन लोगों के बारे में। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, बाकी बात हम बाद में करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अरे इंडिया निकल जहाँ से भाई, तारों के नीचे से थोड़े नहीं आया अभी इंडियन गेस्ट तो आ गया हूँ, परंतु मौसम भी हमका बाहर का ही निकल लेते। माला डाली हुई है गले में, आज जाके देखता हूँ कैसे हैं ये पाकिस्तान के लोग, कैसे हैं। राम राम साहिब। हेलो बेटा, कैसे हो साहिब? साहिब हम इंडिया से आया हूँ, जिला पटना से। राम राम साहिब। साहिब हम इधर से आए हैं, पटना से, हिंदुस्तान से। पटना में इधर ना मौसा जी के रुके हुए थे, हम उनको बगैर बताए तनिक निकले वाक पे। हमारे पास ना इंडियन करेंसी पड़ी है, इसको लेके तो इधर। अरे नोट भी है इनके पास सच में, इंडिया का। आप दे देंगे ऐसी ऐसी दे देगा फ्री? अरे वाह करता है भैया। अरे एक बात तनिक बताए तुमको, यूपी बिहार से आया हम, लैंग्वेज सही कॉपी करने की कोशिश की है, सही बोल रहा है। अच्छा हाँ, इधर तो हमको वेलकम कर रहा है। सब कौन है तू? कैसे भैया? राम राम। हम इंडिया से आए। ये नहीं चलता भाई, इंडिया से आया तू, इधर क्या कर रहे? इधर हम घूमने अपना। चल चल चल, हम इंडिया निकल जहाँ से आए। मतलब दोनों ही बातें दिखा रहे हैं, मतलब कुछ बंदे जो भी करते हैं कुछ इग्नोर मार रहा है। ये क्या कर रहा है? ये कैसे क्या? चल भाई निकल इधर से। भाई शांत भाई, वो इंडिया से। ये क्यों पीछे पड़ा भाई भगाने के? पाकिस्तानी लोग यार पसंद करते हैं इंडियंस को। तुम कौन हो? हम यूपी से आए हैं, जिला पटना, इंडिया से। हां तुम इंडिया से आए? इंडिया से आए, इधर मेहमान है हम अपने। अबे तो तुम खड़े हो इससे बातें कर रहे हो क्या? फजूल आदमी हो यार, निकल भाई। ये है भाई अपना। अबे भाई किस चीज का हुआ? मैं हूं आपका जो इधर रहता हूं पाकिस्तान में। चलो कुत्ती हो गई का भैया। अबे दिमाग बहुत आ गई, बहुत खराब हुआ। मैं निकल ले इधर से, इससे पहले कि मैं रख दूं। अरे क्या हुआ है ये? शरीफ बंदा क्या है भाई? तुम उससे बातें कर रहे हो, वो इंडिया से आया। निकल निकल तो अरे तो भेज के जाएगा काम। कह रहा है जानवर थोड़ी है कोई यार। ये तो बंदा ही सामने आके खड़ा हो गया है। अबे यहां से भाई, हमारे पास पैसा है लेकिन ये ना इंडिया का पैसा है। हां ना इंडियन। अच्छा नोट तो दिखा दो कितने का है, हम बता देंगे। कलर दिखाओ, 100 का लग रहा है नया वाला। हमको पाप लग जाएगा भैया। अरे पैसे दे दिए भाई। भैया ये तो बहुत है हमका। अच्छा कमी देती है, कितने जितने भी है। इधर तो कोई भूखा पेट सोता ही नहीं होगा भैया। खाना बड़ा बढ़िया लोग है भैया। नहीं नहीं भैया, ये काफी है, ये काफी है। इंडिया क्या? हाँ पीछे पड़ा है वो, राजस्थान से है हम लोग। इंडिया से? अच्छा ये इनके साथ वाला बंदा है कि उनका रिएक्शन जानने के लिए, ये चैनल वाला बंदा है वो ही पीछे पड़ेगा हाथ धो के। हाँ ये बंदा इनके साथ है, के साथ है उन लोग का रिएक्शन जानने। हाँ जानने के लिए नेगेटिव चल रहा है, मुझे आप समझ में आया। पब्लिक तो सही है यार, बचा रही है। रख दूंगा अभी इसको मैं दो तीन। अबे तुम भी क्या उससे बातें कर रहे हो यार? इंडिया से आया तो क्या गले लगा लोगे? इंसान है, लगा लो बुराई क्या? अरे तो भाई तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तुम तो मेरे अपने हो यार। भाई दूसरे का भी तो ख्याल कर सकते हो क्या? रे आप मेरी बात सुनो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम पाकिस्तानी हो, पर ये इंडियन है ना। चल यहां से चल, हमारा तो गलती हो यार। ऐसे क्या नहीं करो भाई, ऐसे नहीं करो। तुम लोग मेरे साथ हो, इसके साथ हो। इतना बुरा कौन पे जाता है भाई? बिल्कुल ऐसा है।
फजूल हरकतें यहाँ पर आके उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, गले में देखो क्या उसने पहना हुआ है। भैया थोड़ा जगह पूछ रहे थे, तुम क्या पैसा नहीं ले रहे, तो मसला क्या कर रहे हैं? कहाँ से गए? कह रहा है कहाँ से? इंसान है, इंडिया से है, ये पाकिस्तान है भाई। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान क्या कोई ये चाहिए ना मारे कहीं जो भगा रहे भाई बंदा अभी तक मिला नहीं कोई, वैसे तो गलत सोचता हो इंडिया से दिखाया नहीं है मुसलमान है, इंसानियत के लिए किसी के ऊपर आ गया नहीं, वो मारता है आपसे, हम ये अहिंसक आदमी नहीं है, हम तो कोई गलती हुई का आप हमारे मेहमान हैं, आपको कहाँ जाना है हम आपको पहुँचाएंगे, हम ले जाएंगे। इतना खफा हो रहे थे जैसे हमको कत्ल कर दिया हो। नहीं नहीं, वो ऐसी ऐसे कुछ लोग होते हैं, जैसे इंडिया में कुछ लोग हैं, पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं, और ये लोग पूरा मुल्क खराब कर देते हैं, मोहब्बत मिटा रहे, हमारी दूरियां में कर रहे हैं हमें। आप भैया सही बोल रहे हैं, हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमका सिर्फ रास्ता समझाइए, लेके जाएंगे आप, हम लेके जाएंगे आप, घबराओ नहीं, हम लेके जाएंगे, ठीक उतार देता हूं भैया, हां हां अच्छा माला वाला उतारने को, आप जैसा भला लोग और हो जाए दोनों मुल्कों में, तो इन मुल्कों का कितना भला हो जाए मेरे भाई। ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं कुछ लोग, बहुत धन्यवाद भाई। अच्छे बुरे तो तकरीबन सभी जगह होते, लेकिन ऐसा हमारे इस कराची सिटी के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं। कराची है, शुक्र अल्लाह का बड़ा करम है। तो कौन बोलता है ऐसा कि हालात ऐसे मारते हैं? अरे हमारा भूसा का घर है ना इधर, भूसा जी का वो हमको निकलने नहीं देता है ना बाहर, वो बोलता है इधर हालात सही नहीं है घर में रहने का, झूठ बोलता आप मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं आपको जो उस मोटरसाइकिल के ऊपर छोड़ सकता हूँ। अरे क्या बात, अरे नहीं नहीं आप काम होगा भाई, हेल्प ही हेल्प मिल रही है। आप भी तो है कहाँ ढूंढते फिरेंगे, कहाँ आपको जो मुश्किल परेशानी होगी छोड़ देते। अरे कोई मसला नहीं है भाई, बड़ा बड़ा मेहरबानी है आपका। हमारे इधर मौसा जी का घर है ना, मौसा जी हमका नहीं निकलने देता ना बाहर, वो बोलता है इधर खराब लोग है, तुमको मारेगा परेशान करेगा। नंबर दो मुझे, मैं आपको घुमाऊंगा। सच में? बिल्कुल सच, हमारा नंबर घुमाऊंगा। हाँ तो लिख लिए, लिख ले 03 02 1 6 8। फोन करूंगा फिर इंशाल्लाह, मैंने आपको बहुत सी जगह दिखानी है, सीबीओ काजी आजम का मजार, बहुत सारी जगह। किसका मजार? काजी आजम का। कराची में आपको तो सब बोलते हैं, उधर पाकिस्तान में सब मारता है गंदा का, नोट तो असली है यार इसके पास, तो सब मदद करता है भैया। एक पुरानी चावल का नोट लग रहा है, एक नया वाला है, नया वाला सौ का। बहुत करता है भैया, बार बार गले लग जाता है, इतना वेलकम बोलता है हमको, वेलकम बोलता है। नोट तो मिल जाता हुआ, कोई दुबई में इंडियन और पाकिस्तानी मिले, उनसे करेंसी ले ली उन्होंने और पाकिस्तान चले गए, वो ऐसा। चलो एक्सपेरिमेंट इंडियन गेस्ट इन पाकिस्तान, तो इसमें हमने देखा कि ज़्यादातर पॉजिटिव रिव्यूज़ थे सब लोगों के। एक बंदा था जो इनके साथ का था, वो मुझे देर से समझ में आई, मैं समझ रहा था पब्लिक्स में से है और ये हर जगह क्यों पहुँच रहा है, ये मेरे दिमाग में आ रहा था, लेकिन वीडियो देखते देखते पता चला वो वीडियो वाले का ही बंदा था, इन लोगों के जिन्होंने वीडियो बनाई है उनके साथ का, वो नेगेटिविटी बोल रहा था इसलिए ताकि पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन पता चले कि वो क्या सोचते हैं इंडियन गेस्ट के बारे में या फिर इंडियन बंदे के बारे में। और एक्टिंग भी ज़बरदस्त की है उन्होंने, कहाँ से बताया था? कराची ना, वो बंदा जो इंडियन था पटना, पटना बिहार, पटना का बता रहा था, पटना बिहार। और 100 का नोट भी था उनके पास जो दिखा रहे थे करेंसी, कि मेरे पास इंडियन करेंसी है, तो सही लगा देखकर। इंडिया और पाकिस्तान में जैसा उन्होंने एक भाई साहब ने बोला कि सब लोग बुरे नहीं होते हैं, हाँ हर जगह बुरे भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी दोनों जगह ही होते हैं, ये इंडिया में भी पाकिस्तान में, ये बात तो सच ही है, सबको पता है। और बढ़िया था वीडियो, इसमें अलग अलग लोगों के रिव्यूज़ जानने को मिले, और किसी ने अगर बुरा बोला भी होगा तो आई डोंट
थिंक कि ये डालना चाहते होंगे इस वीडियो में, इन्होंने डाला नहीं होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने बुरा बोला भी हो, लेकिन ये पॉजिटिव रिव्यू थे और पॉजिटिव वीडियो था, एक पॉजिटिव कनेक्शन जो होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में बनाने की कोशिश की गई है, अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है, और ये पाकिस्तान की इमेज के लिए भी है कि पाकिस्तान में सही लोग हैं, ऐसी इमेज सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए भी ये एक अच्छा ज़रिया है वीडियो मेरे हिसाब से। तो कैसा लगा वीडियो? बढ़िया दिखाया गया है जो आज हमारे हमारे देश और पाकिस्तान के बीच चल रहा है उसको लेकर के काफ़ी, वो तो सदियों सदियों की जंग है जो चलती आई है, उस बुराई को ख़त्म करने के लिए वैसे काफ़ी अच्छी वीडियो आई है। बढ़िया थी वीडियो, सही था, मतलब ये बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि ये फेक होती हैं और ये खुद बनाई हुई होती हैं, होती होंगी, लेकिन एक मैसेज अगर अच्छा मिल रहा है तो अगर फेक वीडियो भी है, एक्टिंग की गई है अगर वैसी लोगों से करवाई गई है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है देखने में। कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा ये वीडियो, आपके क्या व्यूज़ हैं हम इंडियंस के बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, साइन आउट, साइन आउट।